तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो यूके में। वीडियो में बात करने वाले हैं टेमाडोजी के बारे में। वैसे 2 दिन पहले आपको वीडियो दिया था जिसमें पूरा ओवरव्यू मैंने आपको बताया था टेमाडोजी का, और साथ में ये भी बोला था कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर आपको इसके अंदर एक अच्छा खासा जो है पंप देखने को मिल सकता है, इसके प्राइस में एक अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिल सकता है, जो कि सेम एज इट इज़ जो है यहाँ पर देखने को मिल भी रहा है। लास्ट 24 आवर्स की बात करेंगे एंड समझेंगे कि बिहाइंड द सीन टेमाडोजी के अंदर चल क्या रहा है, और यहाँ पर ट्विटर के ऊपर की अपडेट्स के ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो लाइव मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि प्रेजेंटली जो है टेमाडोजी कहाँ पर ट्रेंड कर रहा है, और ये ट्रेंड कब से बनना शुरू हुआ था, और अभी कितना रिटर्न जो है अभी तक जो है दे चुका है। तो यहाँ पर टेमाडोजी के अंदर हम जो है एंटर कर लेते हैं। यहाँ पर 1 डे का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो ये ट्रेंड जो बनना शुरू हुआ था 2 दिन पहले से ही बनना शुरू हो चुका था। जब मैंने आपको वीडियो दिया था उस दौरान मैंने आपको सब चीज़ें जो है वो क्लियर कर दी थी। एंड यहाँ पर अगर बात करें कि जिन्होंने भी यहाँ पर एंट्री ली होगी इस प्राइस के अंदर, यानी प्राइस था 0.025181, यानी लास्ट 24 आवर्स की बात कर रहा हूँ। 2 दिन पहले की अगर बात करें तो काफ़ी नीचे प्राइस आप देख सकते हो, 0.018 के आसपास की सीरीज़ में अगर किसी ने एंट्री ली होगी वो भी काफ़ी बड़े प्रॉफिट में होगा। उसकी कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे, और इसके रीज़न की बात करेंगे क्यों ये इतना बड़ा पंप इसके अंदर देखने को अभी मिल रहा है, और आगे भी अभी मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि आपको ये पंप यहाँ तक ही था, एंड अभी तो इसके स्टार्टिंग है। स्टार्टिंग मीन्स अभी तो इनिशियल स्टेज में है। पंपिंग तो अभी आपको और भी देखने को मिलने वाली है इसके अंदर, क्योंकि न्यूज़ ही कुछ इस तरह की निकल कर आ रही है। न्यूज़ की बात करेंगे बाद में। न्यूज़ में मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि बैक टू बैक एक्सचेंजेस की लिस्टिंग यहाँ पर देखने को मिलने वाली है आपको आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर ही। काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग इसकी होने वाली है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके बताता हूँ, प्रॉफिट आपको दिखाता हूँ कि लोगों ने कितना बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पर लिया होगा, और आप लोगों में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इसके अंदर प्रॉफिट ले लिया होगा ईजिली। तो यहाँ पर देखिए हम बाय सेल के ऑप्शन में आ गए हैं, और यहाँ पर मैं यहाँ पर डालता हूँ कल का, यानी कल सुबह का प्राइस डालता हूँ। तो कल सुबह का प्राइस यहाँ पर मैं थोड़ा सा अप करके डाल देता हूँ, केवल एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर प्रॉफिट किस तरह का लोगों ने बनाया होगा। तो यहाँ पर प्राइस मैंने डाल दिया है 0.025000 का, और हम यहाँ पर 1000 छोटे से अमाउंट में जो है बाय करने की देखेंगे, उसके ऊपर प्रॉफिट देखेंगे कितना प्रॉफिट जो है यहाँ पर निकल कर आएगा। तो यहाँ पर हम 25 USD का जो है हमारा अमाउंट बैठा है 1000 टेमा बाई करने के लिए। तो अब हम इसको जो है उस प्राइस के ऊपर सेल करेंगे जो इसका हाई अभी तक हमें देखने को मिल रहा है। हाई हमें देखने को मिल रहा है 0.072 का, लेकिन हम 71 का यहाँ पर प्राइस रखेंगे, और इसके ऊपर 1000 का जो प्राइस बैठता है, जो हमारा सेल प्राइस बैठता है, वो बैठता है 71 US डॉलर का। तो आप क्लियरली देख सकते हो कितना बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर बनने को देखने को मिल रहा है। इसके आगे अगर हम इसको और इंक्रीज़ करें, यानी टोकन को हम और बढ़ा दें इसी प्राइस के ऊपर, हम इसको 20,000 टोकन अगर कर दें, तो आप देख सकते हो कि जितना ज़्यादा यहाँ पर देखिए इन्वेस्टमेंट है उतना ही बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर अगर एक चीज़ और ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर जिन्होंने इस पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो वो कितने बड़े प्रॉफिट के ऊपर होंगे अभी। उन्होंने तो इजीली जो है 3x 4x 5x तक का प्रॉफिट यहाँ पर गेन कर लिया होगा। तो भाई सही खेल जो है वो सारा एक सही समय पर एंट्री का है। सही समय पर एंट्री अगर आपने ले ली तो आप जो है ईजिली प्रॉफिट गेन कर पाओगे, और सही समय पर एग्ज़िट भी लेना बहुत ज़रूरी है। जितना सही समय पर एंट्री है उतना ही सही समय पर एग्ज़िट लेना ज़रूरी होता है। देन अब बात करते हैं यहाँ पर ट्विटर की अपडेट के बारे में। देखिए यहाँ पर OKX लिस्टिंग को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सेलिब्रेट करने के साथ साथ प्राइस पूल रखा गया है 1 मिलियन US डॉलर का। पार्टिसिपेट जो चाहे वो कर भी सकते हैं। इसके साथ बैक टू बैक लिस्टिंग की बात की जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी लिस्टिंग आ रही है एलबैंक की। एलबैंक की लिस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 अक्टूबर को लिस्टिंग होनी है। एंड उसके साथ साथ एक एक्सचेंज और है जो कि काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है। तो यहाँ पर बात हो रही है बायटामा नाउ ओन OKX एंड बी रेडी फॉर द अपकमिंग एलबैंक लिस्टिंग। यानी एलबैंक लिस्टिंग का वेट कीजिए 5 अक्टूबर तक, और फिर देखिए कहाँ से कहाँ इसके प्राइस जो है पहुँचने वाले हैं। बात तो ऐसी हो रही है, और ऑब्जर्व भी यही हो रहा है कि यहाँ पर देखिए पंप जो है काफ़ी बड़ा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर MEXC ग्लोबल की लिस्टिंग भी जो है वो भी 5 ही तारीख को है, 5 अक्टूबर को। तो दोनों लिस्टिंग बड़ी लिस्टिंग है, और जहाँ तक जो आइडिया आ रहा है कि वो यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ा एक पंप देखने को मिलेगा,
और जो MEX ग्लोबल के ऊपर लिस्टिंग होगी वो होगी 5 अक्टूबर को 1 PM, यानी आप 5.5 घंटे और ऐड कर सकते हो इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग। तो इस तरह की लिस्टिंग जो है यहाँ पर काफ़ी बड़ी लिस्टिंग देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि ये अपने रोड मैप को जो है बहुत ही सीरियसली लेकर चल रहे हैं। रोड मैप Q1 जो है यहाँ पर इन्होंने तुरंत जो है एक्शन में है और उसी के ऊपर काम चल रहा है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वीक की कुछ अनाउंस है काफ़ी बड़े बड़े। यहाँ पर टेमावर्स को रिलीज़ करेंगे, यहाँ पर टेमावर्स लॉन्च होगा, टेमाडोजी गेम लॉन्च होगा। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर बात करें तो ट्रेंडिंग में बना हुआ है स्टॉकविट्स के ऊपर टेमाडोजी। तो भाई जाहिर सी बात है कि कोई क्रिप्टो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा तो ट्रेंडिंग में तो होगा ही। एंड नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर नेक्स्ट जेम्स बॉन्ड जो है वो बोला जा रहा है टेमाडोजी को। तो आने वाला समय टेमाडोजी का ही है और काफ़ी अच्छा क्रिप्टो है और ऐसा क्रिप्टो इस समय ऐसे मार्केट के हालात के समय जो मिल जाए तो क्या बात। तो यही था आज का अपडेट, और आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।